बिहार गवर्नमेंट की एजुकेशन सिस्टम है हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और आप लोक आवाज देख रहे हैं। अभी हम उपस्थित हैं गांधी मैदान में, जहां बिहार दिवस को लेके तमाम तैयारियां की गई है। उसी तैयारियों में से एक हमें स्टॉल दिखा है जो कि ट्रांसजेंडर का स्टॉल है। जी हाँ, ट्रांसजेंडर, जिन्हें समाज में बहुत ही अलग नज़र से लोग देखता है, समाज में लोग उन्हें इग्नोर करता है। जैसे कोई ट्रांसजेंडर देख लेता है समाज में तो लगता है पता नहीं क्या देख लिए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों की सोच बदल रही है। तो आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर लोगों के इनके प्रति क्या प्रतिक्रिया होती है। जब ये बाहर जाती हैं, समाज में जाती हैं, तो लोग इनको किस नज़र से देखते हैं। मैडम, सबसे पहले मैं आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम रेशमा है। आप कब से दोस्ताना सफ़र की कब से आप मेंबर हैं? मैं मेंबर नहीं, मैं फाउंडर सेक्रेटरी हूँ और इसकी स्थापना हमने 2012 में की। वैसे हमने आंदोलन की जो शुरुआत की थी वो 2010 से शुरुआत की थी और ये हमारे लिए मौका साबित हुआ है कि हम एक ऐसी लकीर खींचते हुए जा रही हैं कि जिस तरीके से समाज हमसे जुड़ रहा है और हमें मुख्य धारा में जुड़ने के लिए मौके मिल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और हम निश्चित तौर पे समझती हैं कि हम अपनी जिंदगियों में बदलाव लाने के लिए जिस तरीके से संघर्षरत हैं, वैसे समाज में ज़रूर हम बदलाव लेकर के आ पाएंगे। मैडम, जैसे कि आप लोग बाहर जाती हैं तो समाज में आप लोगों को बहुत ही हीन भावना से देखा जाता है, ऐसे देखा जाता है जैसे आप इस समाज की है ही नहीं, इस धरती की है ही नहीं, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है, पटना थोड़ा तो बदला है इन 10 सालों में। जैसे अब आज आप सामने देख रही हैं कि यहाँ पे हमारा स्टॉल है और बहुत सारे साथी लोग आ करके आपके सामने बात कर रहे हैं कि हाँ, हमें इनका सपोर्ट करना चाहिए और इनके लिए सामाजिक रूप से परिवर्तन होना चाहिए। हाँ, अभी जहाँ तक हमारी पहुँच नहीं हो पाई है वहाँ निश्चित तौर पर ये टैबू बना हुआ है और इस टैबू को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। हम पटना से आगे जाएंगी और निश्चित तौर पे इस राज्य के कोने कोने तक हम जा कर के वो परिवर्तन लाएंगी जो मुख्यधारा की बात करती है। और इसके अलावा ट्रांसजेंडर समुदाय को अपने को खुद को समझने के लिए एक रास्ता बन पाएगा, क्योंकि लोग अपने आप को समझ नहीं पाते हैं कि जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है और हमारी जेंडर आइडेंटिटी क्या हो सकती है, क्या ऐसे लोग हो सकते हैं, किस तरीके से समाज में परिवर्तन हो सकता है, उसके लिए क्या किया जा सकता है। इन सारे मुद्दों पर हमें और आगे बढ़ करके जाना है और निश्चित तौर पे हम आशावान व्यक्ति है, इन 10 सालों में ये आशा को हमने एक मुकाम दिया है और आज उस मुकाम से हम सफलता की तरफ जरूर बढ़ेंगे। ये मौका है हमारे लिए। इनका कहना है कि ये मौका है इनके लिए, अब लोगों की सोच बदल रही है, समाज बदल रहा है, 10 सालों में काफ़ी पटना में सुधार आया है। मैडम, आपका नाम क्या हुआ? अद्विका चौधरी। आप कब से मतलब आप जब जाती हैं कहीं बाहर तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हाँ लोग आपको हीन भावना से देख रहे हैं? लगता है, बट जिस मतलब बहुत ज़्यादा अभी भी है। मैडम जैसे कह रही थी कि चेंजेस आई हैं बट बहुत जितना हम होना चाहिए था उतना ज़्यादा नहीं आई है। मतलब हाँ, उतना नहीं तो है। ये मेनली जो चीज़ें हैं ये एजुकेशन सिस्टम पे डिपेंड करता है कि जब हमारे एजुकेशन सिस्टम में बिहार गवर्नमेंट की एजुकेशन सिस्टम है उसमें जेंडर आइडेंटिटी, सेक्चुअल ओरिएंटेशन या जो जेंडर इक्वलिटी वो क्यों नहीं पढ़ाई जाती है, उसके भी क्लासेज होनी चाहिए ताकि लोगों में अवेयरनेस आएगी उस चीज़ को लेकर कि हाँ जेंडर ट्रांसजेंडर या जो भी है सेक्चुअल ओरिएंटेशन या मतलब जेंडर इक्वलिटी को लेकर उसकी एजुकेशन होनी चाहिए, ताकि लोगों को हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत ना हो, लोगों में भी ऑटोमेटिक जैसे हम सारे सब्जेक्ट लोग मॉडिफिकेशन हम करते हैं तो सेक्सुअलिटी के लिए भी मॉडिफिकेशन उसमें होना चाहिए ताकि उनको समझ में आए कि हाँ ऐसे हमें नहीं कहना चाहिए। तो इसलिए एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसमें मॉडिफाई करना एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़रूरी है। इनका कहना है कि एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना ज़रूरी है, उसमें ये पढ़ाया जाए कि जेंडर, ट्रांसजेंडर, सेक्सुअलिटी क्या होती है। जी हाँ, सब कुछ एजुकेशन पे ही डिपेंड करता है। अगर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अगर अपने बच्चों को ये सिखाएंगे कि नहीं ये समाज से अलग नहीं है, हमारे समाज का हिस्सा है, तो ऑब्वियसली बात है बच्चे भी वही सीखेंगे। आए की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।